नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इन दिस वन साइडेड मैच बिटवीन यमदूत 11 एंड कटू 11 के बीच मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और ये मैच जितनी जल्दी तुलू होगा उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ये मैच उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तू दत्तू 11 टीम के सामने मजबूत से मजबूत टीम के पैर, तू ते पैर की तला उतर जाते हैं। मजबूत टीम के पैर सूखे पेड़ की तरह उखड़ जाते हैं। और ये देखिए गत्तू 11 की टीम एकदम एकदम WWE लेते की तला जितनी है, तोले तोले तोल आदन तप है। और ये यमदूत टीम की टीम देखिए उनके कैप्टन टॉम ने बिल्कुल यमदूत का कॉस्ट्यूम पहना है और उनके ताती उन्होंने एकदम धोती और बंदी पहनी है। तो एकदम लगान टीम की कॉस्ट्यूम की तरह दिख रहे हैं, तो लगान टीम की कॉस्ट्यूम की तरह दिख रहे हैं। चलो सब लोग सुनो मेरे सचिन, याद रखना जाओ यमदूत की टीम की धज्जियां उड़ा कर आओ। जाओ 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 जाओ। हम तुम्हारे यमदूत हैं, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। पप्लू, यमदूत के ड्रेस पहन लेने से कोई यमदूत नहीं बन जाता। यमदूतों ने धोती और बंडी वालों की फौज बनाई है। ये हमारे देश के कपड़े, हम इसमें क्यों नहीं खेल सकते? अच्छा, तू बच्चे जब देश के लिए खेलोगे ना तब पहन के खेलना। टॉस का टाइम हो गया है, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए। चलिए आइए। और एम्पायर आते हैं, उन्होंने टॉस का इताला दिया और ये टॉस कॉइन ऊपर उड़ाया और ये नीचे गिरा और ये कटू 11 टॉस जीत गए। और उन्होंने बैटिंग डिमांड भी कर ली है। उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों कैप्टनों ने हाथ मिलाया और अभी हम चलते हैं अपने टोमेंटी बोट में, जहाँ पे हम इनको सीधा पता लेने देंगे। चलिए चलिए। अभी तुती देर में मैच तुलू होने वाली है, लेकिन ये मैच तीती देर तले दी इतने बारे में हम तुझ भी नहीं तह सकते। मतलब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कितनी देर मैच चलेगी। बिल्कुल, क्योंकि गत्तू 11 की टीम एकदम बुलडोजर की तरह मजबूत है और उनके सामने मजबूत से मजबूत पैल उथल जाते हैं। क्या? उनके सामने मजबूत से मजबूत पैल सूखे हुए पेड़ की तरह उथल जाते हैं। इनका मतलब सूखे हुए पेड़ की तरह उखड़ जाते हैं। और मेरे लाइट साइड पे है गत्तू 11 का स्टैंड। ये सामने बैठे हैं काला पत्थर, ना ही ये ताले हैं और ना ही ये पत्थर है, लेकिन ये आज के मैच के ऑर्गेनाइजर है। तालियां। और मेरे लेफ्ट साइड पे हैं यमदूत 11 की टीम। लेकिन देखना ये है कि ये बच्चे जो नन्हे मुन्ने हैं क्या इनका कॉन्फिडेंस रंग लाता है। तालियां। हम सबको अच्छे से खेलना है और हमें ये मैच जीतना है। ओके, यमदूत 11 की टीम फील्ड पे उतर चुकी है और पूरी तरह फैल चुकी है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे रिपब्लिक डे के दिन कोई गुजराती बच्चों की
गुजराती बच्चों की नहीं, गुजरती बच्चों की झांकी। वही वही झांकी लग रही हो। और ये बच्चे पूरी तरह से फैल चुके हैं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे। देखना ये है इनका कॉन्फिडेंस रंग लाएगा या नहीं। इसी बात पे इन बच्चों के लिए छोटी सी ताली। गट्टू 11 के दो धुआंधार बैट्समैन अपने तोले सोलो के साथ बिल्कुल क्रीज पर उतर चुके हैं। दोनों बैट्समैनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है, लेकिन देखना यह है कि इन धुआंधार और तोले सोले बैट्समैन का मुकाबला क्या ये नन्हे मुन्ने बच्चे कर पाएंगे या नहीं। शान कम ऑन, और ये क्या बैट्समैन ने अपना स्टांस लिया और ये पहली बॉल के लिए तैयार। और ये बॉल सामने से आई और ये कवर ड्राइव। खेलो खेलो खेपड़ो तो या आजा आजा ऑल। ये एट ओवर खत्म हो चुकी है। एट ओवर दो रन, इनका मतलब कि एक ओवर दो रन। वही वही त्या टोपी वाला एन की तरफ से बिल्लू जी आ रहे हैं। बिल्लू जी ने बोला तालियां। ओए ओए गोल डाल तालियां। और ये छठे बॉल की तरह बिल्लू जी भागने वाले हैं। बैट्समैन ने स्टैंड लिया, जैसे स्टैंड लिया और ये बॉल उठी हुई गई और ये फोर लाइन। लगता है यमदूतोती टीम में कैप्टन शांत के अलावा और कोई अच्छा बॉलर नहीं है। और ये इसी के साथ दो ओवर और 23 रन। और ये गट्टू 11 की टीम ने 18 ओवर में 108 रन मारे हैं, वो भी 50 ओवर की मैच में। और ये उनसे कप्तान शान और ये बॉलिंग की तरफ अपने 8वें ओवर की पहली बॉल डालते हुए और ये चिली बॉल। अरे ये क्या, गट्टू जी भी एकदम नाथूच है। कप्तान को उनके प्लेयर ने गेल दिया है क्योंकि ये उनकी पहली विकेट हो चुकी है। ये उनकी पहली विकेट हो चुकी है। जाओ मेरे सचिन, जाओ कुछ करतब दिखाओ, जाओ ए जाओ। बराबर आप आओ, यहां खड़े रहो जबल जी भी आप आओ। बराबर फील्डिंग को मजबूती से फैला दिया है। नन्हे मुन्ने बच्चे छत्तों की तरह फील्डिंग में फैल चुके हैं और ये देखना ये हैट्रिक होगा कि नहीं। और ये शान बॉलिंग की तरफ आते हुए और ये क्या, बैट्समैन ने उनको अपने पांव से दिला दिया है। शान, इससे तो मेरी जान बच के गिरा है। जी मालूम है, लेकिन ये क्या, टिंटू और शान आपस में कुछ बात कर रहे हैं। रिंकू और शान आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वही वही रिंकू, शान तो तू समझा ला है, शान रिंकू को कुछ समझा ला है। मैं ऐसे अभी ठीक करता हूँ। नहीं, हम यहाँ मैच खेलने आए, लड़ाई करने नहीं। लेकिन चान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि ये हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन है इनको हराना और हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ठीक है, चल। ऑल एहसान फील्ड में थले हैं, तीसरी बॉल को डालने के लिए तैयार।
बैट्समैन है होशियार, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों भी तैयार है। और ये अहसान ने बॉल डाली, बैट्समैन ने सांस लिया, बैट्समैन ने बॉल को हवा में उठाया, बॉल हवा में गई, वहाँ पे झांसी की रानी भाग रही है, लेकिन ये क्या, झांसी की रानी के पाँव उनके साड़ी में फंस चुके हैं। और ये बॉल तो पत्ता लिया, हैट्रिक, और ये कैप्टन बहुत खुश हो रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे फील्ड में धमाल है, और ये उत्साह देखकर गत्तू जी के सपोर्टर बिल्कुल खुश नहीं, यहाँ पे यमदूतों के सपोर्टर ताली बजा ले। खत्म हो चुके हैं, शान के 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, वही वही, लेकिन मैच के अभी भी 25 ओवर बाकी है, 25 ओवर बाकी है मैच के, और ये तोल हो चुका है 152। और ये एम्पायर ने क्या कहा, नॉट आउट, आई कांट बिलीव दिस, नॉट आउट हो, नॉट आउट दिया अंपायर ने प्लेयर को। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे एकदम टेंशन में, शान ये चीटिंग है। हाँ शान, जिस बॉल पर हम विकेट लेते हैं अंपायर उसे नो बॉल बता देता है, हमें नहीं खेलना ये मैच में। हाँ देखो, ये अंपायर काला पत्थर वाले का आदमी है। क्या, फिर हम ये मैच हारने के लिए क्यों खेले? क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम ये मैच खेलेंगे तो उसे जरूर जीत लेंगे। अपनी उंगली ऊपर उठा ली, देखो वापस नहीं आना, आउट नहीं होना, मारो मारो चौका मारो छक्का मारो, लेकिन आउट नहीं होना। और लगता है यमदूत 11 अपनी रिदम खो बैठे हैं, अपनी रिदम खो बैठे हैं, वही वही। हाँ। लेकिन गत्तू 11 की टीम को बॉल फुटबॉल फुटबॉल की बॉल की तरह नजर आ रही है, गत्तू 11 की टीम को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, वही वही, उन तो हल तोने तोने से रन आ रहे हैं, अन्य कोने कोने से रन आ रहे हैं, वही वही। और ये मैच खत्म हो चुकी है। और ये गट्टू 11 की टीम ने लिमिटेड 50 ओवरों में 275 रन बनाए हैं, तालियां। और यमदूत 11 की टीम को जीतने के लिए 276 रन की जरूरत है। तो मेरे गट्टू 11 के जाब आज शेरो, तुम अब हंसना बंद करो, क्योंकि वो यमदूत 11 के बच्चे रोना शुरू कर देंगे। उन्हें मालूम नहीं हमारी गट्टू 11 की एक क्रिकेट टीम नहीं है बल्कि वॉशिंग पाउडर है जो बड़े बड़ों को धो देती है। हाँ तो मेरे यमदूत भैया, तुम ये भूल जाओ मेरे भैया तुम्हें वापस मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी टीम मेरे खतरनाक बॉलर्स के सामने 50 रन भी नहीं कर पाएगी। डोंट वरी फ्रेंड्स, हम जीत कर दिखाएंगे। अब तुम्हारी बारी है, जमकर बॉलिंग करो, जाओ उन्हें आउट करो, फिर से पाँव छूने की जरूरत नहीं, जाओ खेलो वहां पे जाके जाओ, अरे पाँव नहीं छूना खेलना जा।
क्या कभी कोई सड़क पर दौड़ पर ट्रेन का पीछा चल पाया है? सड़क पर दौड़ कर प्लेन का पीछा कर पाया है? वही वही कभी नहीं। बिल्कुल इसी तरह गट्टू 11 की टीम ने यमदूत 11 की टीम के सामने 275 रन का लक्ष्य रखा हुआ है। वही वही क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तू समझ में नहीं आ रहा है। कभी तोता कभी तक्का, और ये कभी थक्का कभी तोका, कभी चौका कभी छक्का, कभी चौका कभी छक्का। वही वही दुखी जी, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे खरगोश के बच्चे किस तरह से थत्ता और ये तोता माल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसी बात पे तालियां बजा दीदा। फुटबॉल ये नन्हे मुन्ने पिद्दी जैसे बच्चों ने अपने बैट से इन मलंग बॉलर्स को उनकी बॉल को पीट पीट कर अपने बैट से उनके बॉल को रैट बना दिया है, और इस रैट की और कैट की रेस में रैट बन गई है कैट और कैट बन गई है रैट। तालियां। कैट कैट बन गई है रैट। वही वही। लेकिन दुखी जी मुझे मेरा ये मानना है कि इस कैट और रैट की रेस में स्कोर तो एकदम हिरन की तरह भाग रहा है, और ये देखिए 15 ओवरों में 120 रन। प्लीज गॉड, शान ऐसे ही खेलते रहे, कभी आउट नहीं हो। मैं आपसे जिंदगी भर कुछ भी नहीं मांगूंगी, आज तो प्लीज उसे आउट मत होने दो। यस, थैंक गॉड। और ये शान ने सिक्स मारा। ये ठीक से खेलना।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।